यूपी में उपचुनाव में तीनों सीटों पर जीत का दावा करने वाली भाजपा के सुर जीत के परिणाम आने के बाद बदल गए हैं। वहीं सपा को इसका फायदा भी दो सीटों पर मिला है, और ऐसे में क्या भाजपा को स्थानीय निकाय चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में, क्या उपचुनाव में हार का स्थानीय निकाय चुनाव पर कितना होगा असर। चुनाव में बीजेपी की दो सीटों पर हुई हार के मायने क्या? आखिर क्यों नहीं चला बीजेपी का जादू? लगातार जीतने वाली बीजेपी आखिर क्यों हार गई? बीजेपी के नेताओं से कहां हुई चूक? क्या स्थानीय निकाय चुनाव पर पड़ेगा इसका असर? क्या विपक्षियों को मिल पाएगा इसका फायदा? उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के महज कुछ दिन शेष है। इसके पहले उपचुनाव में भाजपा यूपी की तीनों सीटों पर जीत के बाद कहने से पीछे नहीं हट रही थी और लगातार जीत के जश्न की तैयारियों में लगी थी, पर परिणाम आने के बाद सभी के स्वरूप बदल गए। कहीं नेताजी की सहानुभूति की बात कही गई तो कहीं और बात कही गई, और सियासत में लगातार चुनाव जीतने वाली बीजेपी लगातार तीन दिन में काफी नुकसान झेलती दिखाई दी। चाहे हिमाचल हो या दिल्ली के एमसीडी चुनाव, जीत का ग्राफ गिरता गया और विपक्षियों को इसका फायदा मिला। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को, तो हिमाचल में कांग्रेस को और यूपी में सपा और राष्ट्रीय लोक दल को। ऐसे में यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा को क्या इसका नुकसान मिला या फायदा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत की बात कर रहे हैं, सुनिए किसने क्या कुछ कहा। नहीं हुआ है, मुलायम सिंह जी की सीट थी श्रद्धांजलि में, लोगों ने उन्हें दिया, और रामपुर हम जीते हैं जो उनकी प्रेस्टीज की सीट रही है। उनके सबसे बड़े नेता आजम खां जो MY समीकरण बनाते थे, निश्चित तौर पे वहाँ हम जीते हैं, हमारी बड़ी उपलब्धि है। और जो सीट हम हारे हैं उस पर समीक्षा करेंगे हम लोग, तो अगर हारते हैं तो उसके बाद पूर्व मोहम्मद से जीतते हैं जिसे गोरखपुर हारे थे MP में। अपनी हर जीत पे कहती है कि जनता ने उनके काम को सराहा है, और जब आज भारतीय जनता पार्टी हारी है तो हम ये कह सकते हैं कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के काम को नकार दिया है। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिए, साफ सफाई देख लीजिए, कानून व्यवस्था देख लीजिए, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, किसान आय हो, हर मामले में भारतीय जनता पार्टी जनता को मायूस कर रही है, किसानों को मायूस कर रही है, नौजवानों को मायूस कर रही है। उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्य से खुश नहीं है। चाहे हम उपचुनाव की बात करें, अक्सर ऐसा सुनने को मिला है कि जब जब उपचुनाव होते हैं तो लोगों का एक संदेश सुनने को मिलता है कि उपचुनाव सरकार लड़ लेती है, सरकार के लोग लड़ लेते हैं, अक्सर जीत जाती है। अगर जनता ने ये चुनाव लड़ा है तो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली से समूचे उत्तर प्रदेश की जनता नाराज है, इसीलिए उपचुनाव हम जीत कर रहे हैं। रही बात नगर निकाय चुनाव की, तो मैं कहना चाहूँगा कि राजधानी में आप खड़े हैं, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ के हालात देखकर आप ये तय कर सकते हैं कि आने वाला चुनाव किसके पक्ष में होगा। जो व्यक्ति अपनी सीट न जीत रहा हो वो दूसरे की सीट कैसे जीता देगा, ये तो हंसने वाली बात है। और मुख्यमंत्री जी को इतनी हल्की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी के प्रति एक उगते हुए सूरज की तरह देख रही है। आम आदमी पार्टी को ये देख रही है कि अब हमारे क्षेत्र का विकास यही पार्टी कर सकती है, हमारे बच्चों का भविष्य यही पार्टी देख रही है, दिल्ली में कर रही है। दिल्ली मॉडल को भी हम लोग दिखाते हैं हर जगह, पंजाब मॉडल को दिखाते हैं हर जगह, पंजाब मॉडल और दिल्ली मॉडल को ही लेकर के हम लोग स्थानीय निकाय चुनाव भी लड़ रहे हैं। और काफी कॉन्फिडेंट हो गया है, इसका नुकसान को भरना पड़ेगा। मैनपुरी का चुनाव जीत के MCD की हालत आपने देखी, इन लोगों ने भरसक प्रयास किया लेकिन MCD चुनाव नहीं जीत पाए। और उत्तर प्रदेश में जो हालत है सफाई की, भाई जनता को क्या चाहिए, बिजली पानी और सुचारू आवागमन के लिए सड़क, तीनों चीज़ में लखनऊ तो फेल है। अभी मैं दौरे पर गया था उत्तर इलाहाबाद, और हालत बड़ी ख़राब है। तो आपने सुना कि बीजेपी जहां इस चुनाव का असर स्थानीय निकाय चुनाव पर पड़ने के बाद से इनकार कर रही है, तो कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी अपनी अपनी पार्टी की जहां जीत की बात कह रही है, वहीं भाजपा को इसका नुकसान पहुंचाने की बात की जा रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भाजपा को हार का कोई भी असर स्थानीय निकाय चुनाव में पड़ेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल भाजपा को हार से सबक लेने की जरूरत है, और लगातार जीत दर्ज करने वाली पार्टी
क्यों हार की तरफ बढ़ रही है, इसकी समीक्षा की भी आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारियों की कारगुजारी इस हार का कारण तो नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एजेंडा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास है, तो फिर ये स्थिति क्यों? स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी का कमल खिलने में कोई दिक्कत ना आए और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को जीत फिर से मिल पाए, इसके लिए समीक्षा और विफलताओं के लिए जिम्मेदारी तो तय करनी ही होगी। लखनऊ से सीनियर करेस्पोंडेंट शशांक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में तीन उपचुनाव वाली सीटों पर भाजपा जो कह रही थी कि हम तीनों सीटें जीतेंगे, इसमें से एक सीट जीतने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जीत का ग्राफ कम हुआ, चाहे गुजरात हो चाहे हिमाचल हो। गुजरात में तो ठीक ठाक रहा, लेकिन हिमाचल एमसीडी चुनाव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है। ऐसे में आखिर वो क्या वजह रही जिसमें भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा? विश्व की पहली बड़ी पार्टी में शुमार की जाने वाली भारतीय जनता पार्टी, आखिर जीत का कारण क्या है ये नहीं समझ में जा सकता है, लेकिन ये जरूरी है कि इस जीत और हार के लिए समीक्षा और जिम्मेदारियां जरूर तय करनी होंगी, ताकि आने वाले समय में स्थानीय निकाय चुनाव में इस तरह की स्थितियां उत्पन्न ना हों। कैमरामैन रोहित के साथ शशांक श्रीवास्तव, MKN न्यूज़, लखनऊ।